Well, good morning, everyone. I welcome you all here in today's webinar. Before I begin, I would like to say that our good friend Ashish Kayal had to step away due to some personal emergency. So I'm just filling up for him. And I believe that I'll be able to deliver the great ideas which you expect from Ashish. So this is only for today, and we expect to see him soon in the next session. So let us begin today. I'll share my screen. Markets have started on a very buoyant note. Today, आज हमने एक gap down, sorry, gap up opening देखी, और this was expected. In fact, हम लोगों ने जो weekly outlook जो हम देते हैं उसमें हमने ये लिखा था या ये possibilities mention की थी कि there can be some return of momentum in the markets and that too on the upside. तो एक अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में आज शुरू होना, और यही नोट पे मार्केट ने आज शुरुआत की है. तो आज हम मेजर ट्रेड सेटअप की ओर देखें. उससे पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और एज पर द लास्ट ट्रेडिंग डेज क्लोज निफ्टी ने पुल बैक किया था फ्रॉम द लो पॉइंट ऑफ फ्राइडे, और अटका था जाके 50 डीएमए पे जो कि 16027 था एज पर फ्राइडेज क्लोज. तो आज इसका रेसिस्टेंस हमें कुछ बनता था अप्रोक्सीमेटली 16130 या 150 के आसपास, लेकिन मार्केट ओपन ही वहां पे किया है और वहां से स्ट्रॉन्ग किया है. तो एज ऑफ फ्राइडेज क्लोज द निफ्टी वॉज इनसाइड द फॉलिंग चैनल. लेकिन आज अगर हम आज का सेशन अगर हम प्लॉट करते हैं तो निफ्टी हैज I'll plot the falling channel here first. पहले स्क्रीन को थोड़ा जूम करता हूं तो वी सी दैट ये जो व्हाइट कैंडल देख रहे हैं हम तो वो आज की है, and Nifty has attempted to give a breakout from the falling channel that we have been discussing. ये चैनल हम पूरी ड्रॉ कर देते हैं सिमिलरली जैसे यहां पे मैंने दिखाई थी आपको. दोनों ही डेली चार्ट है. ऑक्टोबर का जो हम देखेंगे वो एज ऑफ फ्राइडे क्लोज है. इट्स अ सिमिलर चैनल दैट वी हैव ड्रॉन हियर, और डिफरेंस है ये पॉइंट जो कि आज का बार है विच शोज अटेम्प्टेड ब्रेकआउट. अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हम ये 100 डीएमए तक की लेवल्स हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट इज क्लोज टू अराउंड 16533. एंड गोइंग बाय द ऑप्शंस डेटा ऑल्सो we see that the potential upsides are capped near 16500. So let's move on to the daily chart. Daily chart humne dekha, abhi hum chalte intraday mein just to explore if we have any potential trade setups for today. I'll refresh the chart. ये आज का पॉइंट है जहां पे मार्केट ने ओपन किया था. दिस इज द फर्स्ट कैंडल, एंड द मोमेंट इट ओपन निफ्टी इंट्राडे, ये इंट्राडे कंटिन्यूअस चार्ट है जो हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं. इस पे हमने देखा था कि निफ्टी ओपन ही कंटिन्यूअस चार्ट पे बहुत ही ओवरबॉट कंडीशन में हुआ है. तो नॉर्मली क्या होता है कि यू सी सम रिट्रेसमेंट हैपनिंग या कुछ करेक्टिव मूव्स हम देखते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या एक स्ट्रॉन्ग साइन ये भी हुई है कि रादर देन सीइंग एनी करेक्टिव मूव निफ्टी ने साइडवेज कंसोलिडेट किया है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द ऑक्सीलेटर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू करेक्ट देमसेल्व्स. तो अभी फिलहाल कोई इतना मेजर करेक्टिव मूव हमें होता नजर नहीं आएगा एज ऑफ नाउ.
जब तक कि मार्केट आज के लो पॉइंट मतलब 16174 के ऊपर है, 16174 ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और ये एक टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स पे हम देखते हैं तो जो चीज पहले रेजिस्टेंस होती है और उसको हम सरपास कर देते हैं तो वही चीज हमको सपोर्ट की ओर पे वो एक्ट करती है. सो इन इवेंट ऑफ एनी डाउनसाइड नाउ वी विल सी दैट निफ्टी फाइंडिंग सपोर्ट नियर 16,170. अगर वो 16,170 के नीचे स्लिप कर रहा है देन वी कैन से दैट आज का जो अटेम्प्टेड ब्रेकआउट है वो फेल हुआ है एंड वी आर बैक इनसाइड द फॉलोइंग चैनल. लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स नथिंग लाइक दैट एंड निफ्टी हैज अटेम्प्टेड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अबाउट 16,175. तो अभी भी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी इज ओवरबॉट बिकॉज RSI इज समवेयर अराउंड 75 और एक तरह से यहाँ पे तीन चार कैंडल्स पे इसने आज का हाई पॉइंट बनाया है 16,240, उसके ऊपर वो नहीं जा पाया है. तो इसमें हमें आज के ट्रेड सेटअप के लिए दो तरह के ट्रेड्स बनते हैं. एक तो हमें शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को, अगर हम शॉर्ट करते हैं तो बहुत ही शेलो स्टॉप लॉस 16,240 फ्यूचर प्राइस का हम लगा के शॉर्ट कंसीडर कर सकते हैं. इसमें थोड़ा बहुत हमें इसमें रिट्रेसमेंट मिलेगा लेकिन अगर ये अटेम्प्टेड ब्रेकआउट है देन आई वुड नॉट सजेस्टिंग that we should go short. Short में हमें stop loss trigger होने के chances ज्यादा रहेंगे because markets में आज एक sign of strength ये दिखाई है that despite a gap up opening इसमें और despite the fact कि ये continuous chart पे थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, ओवर स्ट्रेस हो गया था, बॉलिंजर बैंड इतने ऑलमोस्ट वर्टिकल वाइड हो गए थे, इसके बावजूद उसने कोई करेक्टिव मूव दिखाया नहीं है. इनफैक्ट इट इज बीन कॉन्सोलिडेटिंग इन ए वेरी लिमिटेड बैंड ऑन द अपर साइड. तो एज ऑफ नाउ वी कैन फेयरली प्रिज्यूम कि निफ्टी के आज के लो के नीचे जाने के चांसेस नहीं है. इसके भी दो रीजन है क्योंकि एक तो मार्केट में वैसे भी स्ट्रेंथ दिख रही है दैट डिस्पाइट ओपनिंग विद अ गैप अप इट्स नॉट कमिंग डाउन और 16,170 का लेवल वो भी है जो कि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि फॉलिंग चैनल की जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर निफ्टी गया है वो उसका सपोर्ट बन सकता है. सो इन आइदर केस it is highly unlikely that 16,170 will get violated today or in the immediate near term. So aaj ka trade hame do tarike se banega. First of all, as of now there is no trade. Abhi koi trade lene ki hame try nahi karni hai, number one, kyunki abhi markets ne 3-4 candles 16,240 ke upar banaye hai jo ki uske there are similar high points. तो 16,240 के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी. लेकिन इसमें दो सिचुएशन में हम लॉन्ग कर सकते हैं. एक तो इमीडिएटली अगर निफ्टी 16,240 के ऊपर जाता है तो ये 16,240 के ऊपर जाता है देन यू कैन सिंपली एंटर लॉन्ग विद अ टारगेट ऑफ 16,500 एंड मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,180. लेकिन अभी 16,240 के ऊपर गया नहीं है और इन दैट केस आपको वेट करना है लॉन्ग पोजीशन के लिए. और अगर नीचे निफ्टी आता अगर नजर आ रहा है तो इसमें लॉन्ग पोजीशन लेने के दो तरीके होंगे. एक तो वी विल वेट बाय द टाइम द बैंड गेट्स नैरोड. अभी काफी वाइड है वो थोड़े बहुत नैरो हो जाएंगे एंड यू विल सी सम बाय सिग्नल कमिंग इन फॉर्म ऑफ इधर द MACD बुलिश क्रॉसओवर और PSIR फ्रेश बाय सिग्नल. ये दोनों में से कुछ चीज नहीं आती है तब तक हमें लेना नहीं है. या फिर निफ्टी 16,160 के आसपास आता है जो कि बॉलिंजर बैंड का 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वहां पे आपको उसको सपोर्ट मिल सकता है तो वहां पे हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं. सो लेट मी मेक द स्टैंड वेरी क्लियर. बाय निफ्टी अबव 240 विद द टारगेट ऑफ 16,500 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 16,170 ये एक सीनेरियो हो सकता है. दूसरा सीनेरियो ये हो सकता है कि या 240 के ऊपर ना जाए और मार्केट नीचे रिट्रेस करना शुरू करे तो 16,180 और 16,200 के बीच में आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. अभी नहीं, आई वुड सजेस्ट दैट वी लेट द मार्केट कम डाउन और अभी के अभी जल्दी लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है. डायरेक्शनल मूव इसका आपका लॉन्ग साइड पे ही मिलेगा, शॉर्ट को अवॉइड करना है. लेकिन हमें लॉन्ग के लिए परफेक्ट टाइमिंग का हमें इंतजार भी करना है. एज ऑफ नाउ इसमें लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड नहीं है. वी हैव टू वेट बिफोर वी टेक ए लॉन्ग ट्रेड. ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अगर नीचे आता है तो वी हैव टू वेट अंटिल द निफ्टी फाइंड सम सपोर्ट एट 16,180-200 रेंज
और इफ इट गोज अबाउट 16-40 ये दोनों ही सूरतों में ही आपको लॉन्ग करना है, इसके अलावा अभी लॉन्ग का ट्रिगर नहीं है, आई वुड एडवाइज यू टू वेट, शॉर्ट का मैं एडवाइज नहीं करूंगा। तो ये हो गए आज के पोटेंशियल फ्यूचर्स ट्रेड। नाउ लेट्स सी इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स इन द ऑप्शंस ट्रेड। ये आज का इंट्राडे एक्शन है ऑप्शंस का फॉर July 21 और मंथली एक्सपायरी दोनों का ये कंबाइंड एक्शन है। वी हैव सीन दैट देयर इज बोथ कॉल एंड पुट अनवाइंडिंग happening at 16,000 levels. So there have been an unwinding of 12 million puts on 16,000 strike, which shows that market participants, especially aaj ke gap up opening ke baad, ye believe karte hain ki there are chances that markets may not go below 16,000 this thing. Aur agar sirf hum is hafte ki expiry ki baat karte hain, that is happening after 2 days on 21st, उसमें भी 16,000 स्ट्राइक्स हैव सीन मैक्सिमम अनवाइंडिंग ऑफ कॉल एंड पुट एंड मोर पुट्स हैव बीन एडेड एट द करंट लेवल्स ऑफ 16,200। सो इसमें से हमें दो कंक्लूजन हमें मिलते हैं। एक तो एज ऑफ नाउ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव दैट 16,000 के नीचे मार्केट्स के जाने के चांसेस नहीं है, दैट इज वन कंक्लूजन दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ड्रॉइंग। दूसरा कंक्लूजन ये है कि 16,200 के लेवल पे अगर इफ वी आस्क द मार्केट पार्टिसिपेंट्स कि भाई किसका कितना क्या व्यू पड़ता है, देन मोर पीपल बिलीव दैट इट इज अनलाइकली टू गो बिलो 16,200 एज ऑन एक्सपायरी ऑफ 21st। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। तो इसमें हम दो तरह के ट्रेड्स हम ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले लेट्स सी द हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन ऑल्सो। आज ये 21st की एक्सपायरी में 16,200 पे मैक्सिमम कॉल लो आई है एंड फॉलोड बाय 16,500 लेवल। सो दिस मींस दैट 16,200 इज द रेसिस्टेंस एज ऑफ नाउ सो फार एज दिस वीक्स एक्सपायरी इज कंसर्न। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि अगर 16,200 के ऊपर निफ्टी जाता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है एंड दैट विल ओपन अप द अपसाइड्स फॉर द निफ्टी एट नियर 16,500। ये दोनों ही लेवल्स अगर आप देखते हैं तो ये चार्ट की लेवल से कोइंसाइड करती है। कैसे कोइंसाइड करती है मैं बताता हूँ। ये दिखा रहा है कि 16,200 इज द एक्सपेक्टेड रेसिस्टेंस एज ऑफ नाउ। एक्जैक्टली दैट हैज हैपेंड ऑन द निफ्टी कंटिन्यूस चार्ट्स की अगर आप देखेंगे, लेट मी अगेन रिफ्रेश इट। तो 16,240 के ऊपर निफ्टी जा नहीं पाया है 230-240 के ऊपर, और वहां से थोड़ा बहुत माइनर करेक्टिव रिट्रेसमेंट 10-20 पॉइंट का हमको वहां पे दिख रहा है, दैट इज वन थिंग। और 16,500 का जो आंसर है कि वहां पे सेकंड हाईएस्ट फॉल हुआ है क्यों है, उसका आंसर भी यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का 100 डीएमए है, दैट इज अराउंड 16,533। तो 16,200 का जो लेवल है वो एक तरह का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर 16,200 के ऊपर निफ्टी जाती है देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इट विल ओपन अप सम गैप ऑन द अपसाइड अंटिल 16,500 लेवल्स। सो टेकिंग द पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स इन ऑप्शंस फॉर टुडे, हम इसमें एक स्ट्रैंगल कर सकते हैं जो कि मैं हर बार दिखाता हूं आपको। इस बार हम लोग स्ट्रैंगल करेंगे 21 जुलाई का नहीं करेंगे, दो ही दिन बाकी है। इतना अगर आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा प्रीमियम डीके या अच्छा प्रीमियम इनकम आप एक्सपेक्ट करते हैं हम, तो इसमें स्ट्रैंगल लेंगे हम 28 जुलाई की एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। इसमें आई वुड सजेस्ट सेलिंग निफ्टी 1600 पुट 16,000 put, which is the area of highest put OI, and selling 16,500 call, 64 rupees iska premium hai, 16,000 ye put ka hai. Isme aap agar hum short strangle karte hain तो वी हैव प्रीमियम इनकम अपॉर्चुनिटी ऑफ से इसका राउंड फिगर में लेता हूं 100 रुपीस हम 16,000 पुट की वैल्यू लेते हैं और 64 रुपीस इसका लेते हैं, तो 165 रुपीस ऑफ प्रीमियम इज मैक्सिमम प्रॉफिट की, इसमें प्रॉफिट की पोटेंशियल है।
8250 per lot is something you can expect at the maximum if you go for this short strangle. I repeat, short strangle hai, sell 16,000 put and sell 16,500 call. Ye call lene ka rational ye hai that we expect that by 28th July of expiry, Nifty 16,500 ke niche rahega aur 16,000 ke upar rahega. Ye dono levels ke beech mein expiry hogi and that is what we expect. And agar ye actually hota hai, if the trend is on our expected lines, to hoga kya? कि 16,000 का जो कॉल जो हमने राइट कर रखा है 16,500 के ऊपर नहीं जाने पे वो भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा और अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर रहा है तो 16,000 का जो पुट है वो भी वर्थलेस ही एक्सपायर होगा सो यू विल बी एबल टू कीप दिस एंटायर 8250 रुपीस ऑफ प्रीमियम इनकम इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर 16,000 के नीचे जाता है या 16,500 के ऊपर जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट then you are expected to move out of this trade. So, ये short strangle हो गया. दूसरा Nifty ने breakout दिया है. There is no except for some being daily chart पे Nifty थोड़ा सा overbought है. तो उसके लिए थोड़ा बहुत retracement हो. इसको हम ये चीज को discount कर सकते हैं. 10-20-30 पॉइंट नीचे भी आता है निफ्टी तब भी ओवरऑल देयर इज अ ब्रेकआउट फ्रॉम द फॉलोइंग चैनल तो अगर हम डायरेक्शनल कॉल लेते हैं देन आई वुड सजेस्ट इट टू टेक इट ऑन द अपसाइड तो एक कॉल स्प्रेड में सजेस्ट करूंगा जहां पे हम 16,200 का कॉल बाय कर सकते हैं ये भी मैं 28 जुलाई की बात कर रहा हूं जो कि 194 का है और हम सेल कर सकते हैं 16,500 का कॉल अगेन ये 28 जुलाई की एक्सपायरी का है तो इससे क्या होगा कि हमें जो 16,200 का कॉल लेंगे उसके 194 रुपीस देंगे और 16,500 का कॉल जो राइट करेंगे उससे हमें प्रीमियम इनकम होगा 66 रुपीस अप्रोक्सीमेटली सो द नेट प्रीमियम आउटगो फॉर दिस कॉल स्प्रेड वुड बी 128 रुपीस दिस ट्रांसलेट्स इनटू 6400 रुपीस तो ये कॉल स्प्रेड अगर हमारा गलत जाता है या मार्केट हमारी एक्सपेक्टेड रेंज में अगर मूव नहीं करती एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं करती तो द मैक्सिमम लॉस यू विल इनकर विल बी दैट ऑफ 6400 रुपीस एंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हियर इज अराउंड 9670 सो 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये आप कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं द कंडीशन इज दैट यू हैव टू होल्ड इट अंटिल एक्सपायरी तो ऑप्शंस में हमें दो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आज दिख रही है नंबर वन इज द न्यूट्रल कॉल शॉर्ट स्ट्रेंगल जो कि मैंने बताया कि आप 16,000 का पुट बेच सकते हैं 16,500 का कॉल बेच सकते हैं अराउंड 8,000 की इसमें नए टोटल प्रीमियम इनकम होगी दोनों ये रेंज के बीच में अगर निफ्टी एक्सपायर होता है 28 तारीख को तो यू कैन कीप द फुल इनकम फुल प्रीमियम और अगर 16,000 या 16,500 को वायलेट करता है तो ये कॉल से आपको निकल जाना है दूसरा ऑप्शन ट्रेड मैंने बताया जो कि हम एक डायरेक्शनल कॉल ले सकते हैं विद अ बुलिश व्यू जहां पे हम 16,200 का कॉल लेके 16,500 का कॉल हम बेचेंगे अप्रोक्सीमेटली 6,400 रुपीज का नेट प्रीमियम आउटगो होगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल वुड बी क्लोज टू 10,000 बक्स दिस इज द पोटेंशियल ट्रेड सेटअप दैट वी हैव फॉर टुडे इससे आगे मूविंग ऑन इफ यू टेक अ लुक एट अ कपल ऑफ गुड स्टॉक सेटअप्स तो इसमें पहली अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है ऑफ कोर्स ये इंट्राडे नहीं है लेट मी मेक श्योर दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड्स दैट व्हिच आई हैव सजेस्टेड फॉर निफ्टी ऑप्शंस एंड निफ्टी स्प्रेड्स एंड स्ट्रेंगल और जो भी मैं स्टॉक्स की बात करूंगा वो भी पोजिशनल ही रहेंगे इंट्राडे इसमें से कुछ नहीं है सो मेक वेरी श्योर दैट यू डू नॉट एंटर इन टू पोजिशन थिंकिंग दैट इट इज इंट्राडे ट्रेड तो आज एक जगह मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो है कोल इंडिया कोल इंडिया ने एक बेसिकली एक क्लासिकल डबल टॉप बनाया था यहां पे जो कि इट कुड नॉट मूव पास्ट एंड अल्टीमेटली इट हैड टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट यहां पे एक
अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट बट इट अल्टीमेटली फेल एंड द स्टॉक वेंट बैक राइट अप टू इट्स 200 डीएमए बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज क्रिएटेड अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये जो आप देख रहे हैं पूरा ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसका अगर ब्रेकआउट आता है आज के इंट्राडे हाई के ऊपर तो टुडेज इंट्राडे हाई इज अराउंड 195.70 या 195.80 के आसपास है तो आई सजेस्ट एंटरिंग इनटू कोल इंडिया अबाउट 195.8 आई रिपीट एंटर कोल इंडिया अबाउट 195.8 with the first initial target of 201 and the second target of 210 so 196 agar call india hota hai about 195.8 matlab itna exact rehne ki zarurat nahi hai aap round figure 196 pakad le agar 196 ke upar jata hua call india dikhta hai hame so we can enter long into call india and take and expect the targets of 201 and 210 any close below 186 can be triggered as a can be used as a stop loss level. So I repeat, Call India एक opportunity है जो कि अगर 196 के ऊपर जाता है तो हम इसे ले सकते हैं with a target of 201 and the subsequent target of 210 and any close below 185 should be treated as a stop loss. ये positional trade है, intraday trade नहीं है. दूसरी अपॉर्चुनिटी विच आई थिंक इज देयर इज इन टाटा मोटर्स बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ व्यू एट द इंट्राडे पोजीशन ऑफ कॉल इंडिया ये फ्यूचर्स का प्राइस आपको दिखेगा आई विल चेंज इट टू द कैश प्राइस वन मिनट चलिए ये कैश ही है मैं कैश को ही दिखा रहा हूं इसमें भी ये थोड़ा पॉजिटिव ओपन होने के साथ रादर देन शोइंग एनी करेक्टेड डिक्लाइन इट्स कंसोलिडेटिंग साइडवेज तो कॉल इंडिया में आप आज के हाई के ऊपर जाता है द सेम थियरी वुड अप्लाई अगर 195 के ऊपर जाता हमें दिखता है तो यू कैन बाय कॉल इंडिया विद द टारगेट ऑफ 201 एंड 210 फॉर अ पोजिशनल ट्रेड दूसरा स्टॉक में रेफर कर रहा था वो है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही है कि इट वॉज बेसिकली इट मेड अ ट्रिपल टॉप इसको सॉरी ट्रिपल बॉटम ये ट्रिपल बॉटम सपोर्ट किया है एग्जिट नहीं आता ट्रिपल बॉटम देर इज ऑलवेज माइनर वायोलेशन और समथिंग हियर एंड देर तो ये एक तरह की रेक्टेंगुलर रेंज बन गई थी टाटा मोटर्स की एंड इट वॉज ऑक्सीलेटिंग इन दिस रेंज नाउ इट इज Try to give a breakout. जैसे कि ये दिख रही है if you want, I can change the line color so as to make it little visible. Red कर देते हैं so that it is. I hope it is visible now. तो यहां से इसने breakout देने का attempt किया है and in the process it has moved above all his इम्पॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस दैट इज 50, 100 और 200 डीएमए के ऊपर निकल गया है ये स्टॉक तो सॉरी एक 200 डीएमए के नीचे है और 100 और 50 डीएमए के ऊपर है सो देर इज ए माइनर रेसिस्टेंस एट अराउंड 452 तो आइडियली इसमें दो चीजें ले सकते हैं आइदर थोड़े से जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो अभी पोजिशन ले सकते हैं एट 447 विद द टारगेट ऑफ 495 एंड स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज बिलो 432 तो 432 के नीचे जो क्लोज आता है उसका स्टॉप लॉस लेके यू कैन बाय टाटा मोटर्स नाउ विद द प्राइस टारगेट ऑफ 495 और अगर आपको सेफर बेट लेनी है देन यू कैन वेट अंटिल 450-60 और अगर 453 होता है तो 453 पे थोड़ी सी सेफ एंट्री भी आप ले सकते हैं सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस आइदर एंटर नाउ व्हिच यू कैन आई बिलीव यू कैन एंटर क्योंकि एक तरह का ब्रेकआउट ही है इसमें तो अभी भी एंटर कर सकते हैं या यू कैन वेट अंटिल 5 rupees फॉर ए सेफर एंट्री use a close below 432 as a stop loss and stay invested in Tata Motors with the price target of 495 and 500 rupees so ye do potential stock setup aaj ke ho gaye to overall humne aaj discuss kiya ek nifty mein potential long entry
which I suggested that we should wait until either of the two things happen. Ya to Nifty thoda sa retrace kare, 16180 ke aas paas aaye, tab aap long le sakte hain, ya fir 240 ke upar jaane ke baad usko long le sakte hain. Abhi iska trigger nahi hua hai, to ye ek possible long entry hai jiske liye aap thoda wait kare, baad mein long kare isme. Aur baki ki jo do option maine bataye, which is the neutral strangle, short strangle aur bullish call spread, वो दोनों ही पोजीशन आप अभी ले सकते हैं. ऑप्शंस की सभी पोजीशन 28 जुलाई की एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की लेनी है, 21 तारीख की नहीं, आई रिपीट 28 जुलाई की एक्सपायरी की लेनी है. और दूसरा मैंने दो कॉल सेटअप बताए. कॉल इंडिया आज का जैसे इंट्राडे हाई देता है उसमें आप एंटर कर सकते हैं. टाटा मोटर या तो आप अभी या 452 के ऊपर एंटर कर सकते हैं विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 495. So that brings me to an end of today's session. अगर आपका कोई question है तो I am online for some time. तो कोई भी जल्दी नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने अपने questions भेजें, या तो Q&A box में भेजें या chat box में भेजें. I am all here to answer them. Adani Power. One minute. Adani Power. Yeah, Adani Power. As such, it is in an uptrend. साइडवेज कंसोलिडेशन में है और फ्रेश मूव हमें दिखेगा. वी कैन सी दिस पॉइंट ट्रिगरिंग एज ए सप्लाई जोन. तो ये हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. और आज का इंट्राडे पॉइंट है अराउंड 294.45. तो 295 के ऊपर जाता है तो वी माइट सी सम फ्रेश मोमेंटम ऑन द अपसाइड इन अडानी पावर. नहीं तो वो कंसोलिडेट कर सकता है इन अ लिमिटेड रेंज. Briefly on how to interpret VIX. VIX usually वैसे interpret होता है जैसे हम कोई भी line chart analysis करते हैं. तो मैं पहले आपको VIX का मैं chart ही दिखाता हूँ, weekly दिखा देता हूँ, because it will be more meaningful. बेसिक इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है दैट इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डायरेक्शन इन विच द मार्केट मूव्स एंड डायरेक्शन इन विच द VIX मूव्स. तो नॉर्मली इट इज क्या कहते हैं, ये एक तरह का वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है विच इज डिनोट्स द अमाउंट ऑफ कॉशन या फियर विच इज embedded into the markets. So normally क्या होता है कि market जैसे ही जितना ऊपर जाता है strength के साथ बढ़ता है उतना ही there is lot of calm among the market participants, so that will bring the VIX down. लेकिन अगर किसी भी तरह का आप selling pressure देखेंगे या कुछ downside move देखेंगे तो that usually comes with the increased volatility and that takes the VIX up. तो VIX को interpret करना है तो you can basically resort to the basic pattern analysis, but you should not be doing that क्योंकि ये normally it is made up of an inputs given by the options. तो VIX का interpretation इतना ही होता है कि अगर markets ऊपर जा रही है तो इसको नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा है then the up move or the quality of up move can be under question. तो इसकी inverse relationship को ध्यान में रखना है. और जहां पे भी ये deviation आ रहा है कि VIX और market एक ही direction में जा रहे हैं तो those moves should be taken with some pinch of salt so far as the markets are concerned. तो इतना मैं briefly बताऊंगा, बाकी this itself is a science. अगर मैं बताने जाऊंगा तो we can do entire session on this. ये detail में है तो या इतना हम basic knowledge रख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा detail में जाए. बीच में अटकने से क्या होगा that you might end up interpreting in a wrong way. तो basic इतना याद रखना है कि ये एक inversely related है
और अगर इन्वर्स रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है मार्केट और VIH में, देन यू मस्ट क्वेश्चन द मूव ऑन मूव ऑफ द मार्केट्स रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग इन द अपसाइड और डाउनसाइड। लुपिन, बाय द वे बिफोर आई से एनीथिंग ऑन लुपिन, निफ्टी फार्मा is attempting to make some moves or at least consolidate its relative underperformance. So, thoda bahut pharma mein relative performance ka improvement hame dekh sakta hai. Lupin kuch bhi nahi hai, it's in a sideways move. So, abhi sideways hi rahega, 50 DMA ke upar hai. Aur isme weakness aayegi agar ye 620 ke niche jata hai, then it might get weaker. Baki otherwise ek sideways move mein hai. The broader trend is down. इट इज ट्राइंग टू रिवर्स, लेकिन अभी कोई इसका लूपिंग का ट्रेंड रिवर्सल का कोई कंफर्मेशन है नहीं। अगर आप लॉन्ग है तो 617 या 15 का क्लोज का स्टॉप लॉस लगा के रह सकते हैं। नई एंट्री करनी है तो नई एंट्री में अभी एडवाइज नहीं करूंगा, देर आर नो ट्रिगर्स फॉर ए फ्रेश एंट्री। शॉर्ट स्ट्रेंगल की स्ट्राइक रिपीट करूं, सेल 16,000 पुट एंड सेल 16,500 कॉल। आई रिपीट, सेल 16,000 पुट और सेल 16,500 कॉल। दीज आर द शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्राइक्स। गुड टाइम टू एंटर मिंडा इंडस्ट्रीज। हाँ, मिंडा इंडस्ट्रीज ओवरऑल इट्स ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो आप अभी इसकी एंट्री ले सकते हैं। द फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर देम इज अराउंड 566 में, अभी ये एक्सपोनस नहीं हुआ है तो मैं अभी की प्राइस दिखा रहा हूँ। वंस इट क्या इसका इसके बोनस का जब इफेक्ट आ जाएगा देन द लेवल्स वुड चेंज, बट यस यू कैन एंटर, बट एंटर विद एटलीस्ट अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। ओवरनाइट क्विक बक्स आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। IEX. Well, I don't know what your position is, लेकिन इसमें कोई ट्रिगर नहीं है। It is very much under a secular decline. It is within the falling channel. जो भी अप मूव आ रहा है, it is still inside the falling channel. तो इसमें कोई immediate triggers है नहीं। Most immediate support is around 154. तो इसमें कोई नई position लेने का कोई trigger नहीं है। अगर आप long है तो 152 के क्लोज लेवल का स्टॉप लॉस आप देखें, बाकी कोई इसमें नया ट्रिगर्स नहीं है। इट इज स्टिल अंडर अ डिक्लाइन एंड देयर इज नो चेंज ऑफ ट्रेंड सीन हियर। इज माय ट्रिप, इज माय ट्रिप थोड़ा शार्प मूव करने वाला है स्टॉक। फिलहाल इसने ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है और दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द 100 डीएमए ऑफ 364, तो फेयर इनफ, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज बिलो 364 के नीचे क्लोज करता है तो आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ये लेवल को। बाकी आप इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इमीडिएट रेसिस्टेंस इज एट 415 and then at 442. Maintain a stop loss of close below 364. Adani Ports. इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री का पूछ रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू डू इट ओनली आफ्टर द स्टॉक मूव्स अबाउट 100 डीएमए। अभी इसका 200 और 100 डीएमए काफी नजदीक है, 200 डीएमए एट 742, 100 डीएमए एट 747। सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक ए न्यू एंट्री, मेक ए न्यू एंट्री ओनली अबाउट 750, नॉट बिफोर दैट। इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग, देन होल्ड विद ए स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज बिलो 714। इसके अलावा कुछ अभी नया एंट्री का कोई ट्रिगर नहीं है। न्यू एंट्री इज ओनली अबाउट 750।
सजेस्ट ए गुड बुक. इसमें गुड बुक्स में है दो तीन टाइटल्स में आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे एडवर्ड्स और मैगी की है. उसका फर्स्ट एडिशन आया था 1935 में और तब से लेकर आज तक ये बुक चल रही है. सो यू कैन बाय दैट बुक फ्रॉम Amazon, आपको Amazon से मिल जाएगी. एंड इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग, तो आपको बेसिक प्राइमरी टेक्निकल एनालिसिस विल बी, यू विल समथिंग लर्न इन अ वेरी वेरी गुड वे. तो एडवर्ड्स एंड मैगी की एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, आप देख लें अगर आपको मिल जाती है तो. स्पाइस जेट, I don't think there are any technical triggers in spice yet. Yes, exactly. अभी भी ये secular downtrend में ही है. I'll just try and draw the channel if it is possible. Secular down. Falling channel है. बीच में एक 50 DMA का resistance आएगा. नई एंट्री में इसमें एडवाइस नहीं करूंगा. जो भी टेक्निकल पुल बैक्स आएंगे वुड बी इनसाइड दिस फॉलिंग चैनल. तो जब तक ये डिक्लाइनिंग चैनल है वो वायलेट ये इसमें प्राइस पेनिट्रेट करके जब तक ऊपर नहीं जाती, आई वुड नॉट सजेस्ट एनी फ्रेश एंट्री टू स्पाइस जेट. अदरवाइज जितने भी टेक्निकल अप मूव्स आएंगे दैट दोस वुड बी विद इन द फॉलिंग चैनल. तो इट वुड बी जैसे क्या कहते हैं हम, जैसे बेयर मार्केट अप मूव कहते हैं वो उस तरह के होंगे. सो नथिंग सब्सटेंशियल इन दिस स्टॉक. You're welcome, sir. India Bulls Housing. No trigger at all. The stock is inside the declining channel. जो भी अपूज आएंगे they would be within this declining channel. तो जब तक ये channel को prices penetrate नहीं करती और कम से कम ये 50 DMA जो कि 400 कितना है, ये 107 के आसपास है. 107 के ऊपर अगर स्टॉक नहीं जाता है देन देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, क्योंकि दैट वुड बी स्टिल विद इन द डिक्लाइनिंग चैनल. तो इसका ये स्टॉक तभी रिवर्सल अटेम्प्ट करेगा जबकि ये 107 के ऊपर जाता है, तब तक इट इज बेस्ट टू अवॉइड. इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नो ट्रिगर, द स्टॉक इज स्टिल इनसाइड द फॉलिंग चैनल. रिवर्सल का अटेम्प्ट तभी होगा जब ये 68 है इसका, और इसका टेक्निकल रेसिस्टेंस है 79. तो 75 के जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता है डोंट एक्सपेक्ट एनी मीनिंगफुल अपसाइड्स इन द स्टॉक अनलेस इट्स न्यूज ड्रिवन और समथिंग लाइक दैट. तो टेक्निकल्स पे तो ये अभी बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है. सो नथिंग, नो एक्शन एज ऑफ नाउ, नो फ्रेश एक्शन इज समथिंग दैट आई वुड एडवाइज. अगर आप लॉन्ग है तो 60 के स्टॉप लॉस को बनाए रखें, बाकी इसमें कुछ है नहीं. अडानी विल्मा, the stock is basically under consolidation. Agar aap long hai to continue long with the stop loss of close below 570. Agar aap nayi entry lena chahte hain to take entries only above 670. तब तक the stock is under broad consolidation. तो उसकी moves हमें range bound ही मिलेगी. और जब तक ये falling trend line है, इसको ऊपर penetrate नहीं करता है, which would be around 670 levels. तब तक इसको नई entry इसमें नहीं लेनी है. Julian Food. Julian Food ने एक reversal को confirm किया है. I'll just show you the pattern. और ये पैटर्न आई थी जब भी ये बन रही थी पैटर्न, तब तक द स्टॉक हैड आल्सो शोन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस ऑफ आरएसआई. जैसे कि ये प्राइस में लोअर बॉटम बना था. मैं एग्जैक्टली यहाँ पे प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आरएसआई ने लोअर बॉटम नहीं बनाया था
So that had resulted into a strong bullish divergence. So वहां से एक reversal attempt किया है. With the stock has support around its 100 DMA of 533. और एंड अपसाइड टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वुड बी अराउंड 636 और मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म मतलब आजकल का नहीं है बट यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर और ए पोजिशनल इन्वेस्टर. बॉम्बे बर्मा नथिंग नो ट्रिगर्स ऑन द चार्ट. The stock is not able to move past the 100 and the 50 DMA levels. So, इसमें कोई fresh entry बनती नहीं है और more or less इसमें कोई trend भी आएगा नहीं. It is more or less in a sideways trajectory of 870 and around 1050. So, stock में कोई definite trend नहीं है. Overall trend is neutral to bearish. Morepan. स्टॉक ने एक सपोर्ट जोन पे है अभी स्टॉक इसका इस यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न सपोर्ट्स हैं ये लेवल पे दैट इज अराउंड 37 रुपीस. लॉन्ग है तो 37 के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं क्लोज बिलो 37 एट द स्टॉप लॉस एंड कंटिन्यू टू होल्ड द रेजिस्टेंस आर एट 41 एंड 46. नई एंट्री में इसमें एडवाइज नहीं करूंगा. विप्रो मेक्स ए गुड पोटेंशियल केस ऑफ एंट्री क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस देखा है हमने आरएसआई का. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इमीडिएट दो बॉटम्स पकड़ते हैं हम तो द प्राइस हैज मेड अ लोअर बॉटम वेयर एज द आरएसआई इज नॉट. तो दिस इज अ वेरी गुड बुलिश डाइवर्जेंस ऑफ आरएसआई. और अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस अगर हमें मीनिंगफुल डिक्लाइन के बाद आता है मतलब मान लीजिए ये बुलिश डाइवर्जेंस आया है देन व्हाट वी आर सपोज टू सी इज द वी हैव टू लुक एट द प्रायर इमीडिएट प्रायर ट्रेंड व्हिच इज इनफैक्ट अ मीनिंगफुल डिक्लाइन. तो आप विप्रो में आप पोजिशनल तौर पे इसमें एंट्री ले सकते हैं. थोड़ा सा नैरो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अराउंड 37 क्लोज बिलो 380 और समथिंग लाइक दैट. तो बाकी आप अगर इसमें बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ ट्रेड अगर आप शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म इक्विटीज में होल्ड करना है तो यू कैन मेक ए एंट्री इनटू विप्रो. ओवरऑल आईटी पैक इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इटसेल्फ इट्स ट्राइंग टू एंड इट्स रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस. तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमें इस तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. यस यू कैन एंटर विप्रो ऑन अ पोजिशनल बेसिस. बेस्ट स्टॉक टू बाय टुडे मैं इंट्राडे बेसिस पे कुछ भी रिकमेंड अभी नहीं करूंगा बट फॉर पोजिशनल टर्म्स आई वुड सजेस्ट लुकिंग एट टाटा मोटर्स कोल इंडिया एंड मारुति. लुपिन हो गया इसमें वी हैव वी नीड व्यूज ऑन टाटा टीवीएस मोटर्स. TVS Motors has had a very good run off late कुछ पिछले महीनों में. It is trading near its lifetime high almost. लेकिन इसमें अगर आप long है तो I would suggest taking some money off the table. थोड़ा बहुत if not entire पूरा का पूरा नहीं तो कम से कम partial profit आप book कर लें क्योंकि momentum oscillators are seen slowing down. We also see that RSI is not making the new high. When the prices are towards the new high, तो इसमें जो securities के या stock की जो price की जो internal strength है, it is seen slightly weakening a bit. तो TVS Motors में आप कोई नई fresh entry ना करें अभी. अगर है तो इसमें आप profit book कर सकते हैं, या तो पूरा या तो कुछ partial. लेकिन some money has to be taken off the table. Intraday देखिए. I have a question, which indicators best for intraday and long term and time frame? चलिए इसमें indicators अगर हम पहले indicators की बात करते हैं तो I use multiple indicators. I sometimes use a dynamic mix of lagging or leading indicator. कि मान लीजिए entry करने के लिए हमने MACD use कर लिया या exit करने के लिए RSI use कर दिया.
और कभी कभार हम ये इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, जिसे PSAR कहते हैं, विच इज यू नो समटाइम्स इट कम्स अहेड ऑफ MACD। तो आप ये दो तीन इंडिकेटर्स का मिक्स बना के आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट टेल यू दैट दीज आर द एग्जैक्ट मेथड्स, क्योंकि हर लोगों का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, हर लोगों का जो ट्रेड में एंटर करने का डायनेमिक्स अलग होता है। बट MACD है, RSI है और पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स है, ये तीन इंडिकेटर मैं प्राइमरी यूज करता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द टाइम फ्रेम दैट आई एम ट्रेडिंग, इंट्राडे हो या डेली हो या वीकली हो, मैं मोरलेस ये टाइम फ्रेम देखता हूँ। इंट्राडे के ऊपर जाते हैं तो वी वुड ऑल्सो लुक फॉर एनी डाइवर्जेंसिस ऑन द RSI, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू हैव ए क्लोज लुक एट द OBV, दैट इज ऑन बैलेंस वॉल्यूम, विच विल शो कि जो भी मूव हो रहा है उसमें वॉल्यूम का बैकिंग है कि नहीं, वॉल्यूम का स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो दीज आर द कॉल ऑफ इंडिकेटर्स दैट आई यूज इंट्राडे में। मैं एंट्री करने के लिए मैं 10 मिनट का चार्ट यूज करता हूं, बाय द वे। आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आई विल वेट, फील फ्री टू सेंड आउट योर क्वेश्चंस, सेंड इन योर क्वेश्चंस, सॉरी। Great. So, I think it's time to okay. Steel Authority sale. Metals में अभी आप overall wait ही करें. 1 minute. Steel Authority is trying to reverse the trajectory. अभी फिलहाल तो वो declining trajectory में था, लेकिन एक थोड़ा बहुत इसने reversal attempt किया है. तो we can contemplate a fresh entry about this 50 DMA which is around 73. तो अभी इसमें कुछ entry नहीं बनती है, लेकिन 73 के ऊपर जाता है तो आप short to medium term horizon के लिए 82, 83 और 85 के price target के साथ इसमें entry कर सकते हैं, लेकिन entry अभी नहीं करनी है, 73 के ऊपर entry करनी है इसमें। देखिए स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स बताइए इसमें सर, इसमें क्या है कि एजुकेशन इन आवर कंट्री इज नॉट रेगुलेटेड। मैं थोड़ा सा इसको आपको मैं थोड़ा सा लंबे में इसको मैं आंसर करूंगा कि एजुकेशन रेगुलेटेड नहीं है। आज हालत यह है कि दैट एनीबडी कोई भी अपनी दुकान खोल के अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट बता के सिखाने का काम कर सकता है, दैट इज, बट द क्रेडेंशियल्स ऑफ सच कोर्सेज आर नॉट नोन। तो मैं आपको यही कहूंगा, या तो आप जो अच्छे ऑथर्स की, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एडवर्ड और मैगी मैंने बताया कि जो कि ऑथेंटिक सोर्स है TA के, या तो वो बुक्स लेके आप सेल्फ स्टडी करें, या फिर आप यू गो फॉर सम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CMT। बाकी इंडिया में कोर्सेज तो सैकड़ों है, मैं किसी का रिकमेंड नहीं करना चाहता, बिकॉज द क्वालिटी और द कंटेंट इज नॉट नोन, एंड एजुकेशन इज ए नॉन रेगुलेटेड बिजनेस हियर इन इंडिया, सो यू नेवर नो दैट डिस्पाइट पेइंग 100,000-50,000 रुपीज व्हाट विल गेट इन रिटर्न। थोड़ा सा ये मेरा फ्रेंक आंसर है, बट दिस इज व्हाट आई फील। ONGC नहीं, इसको बेटर आप अवॉइड ही करें, ओवरऑल डिक्लाइनिंग चैनल में है। डिक्लाइनिंग चैनल में जो भी हो ना, उसको बेसिकली इवन इफ इट इज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसको आप अवॉइड ही करें, क्योंकि इसमें वो एक चीज सर्टेन होती है कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं होती ऐसे स्टॉक्स में। तो ये मार्केट से ज्यादातर ये स्टॉक्स रिलेटिव टर्म्स पे अंडर परफॉर्म ही करेंगे। तो अगर आपका इंटेंशन इन्वेस्ट करने का है, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी है आपका इंटेंशन, तो आप लुक फॉर द स्टॉक्स विच आर लीडिंग एंड विच आर यू नो हैविंग गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसकी नेगेटिव होगी वो अल्टीमेटली इट विल नॉट डू एनी गुड फॉर यू। IRCTC नो ट्रिगर्स इन IRCTC टू ट्रेड, इसको आप बेटर अवॉइड करें।
लॉन्ग है अगर आप तो 570 के क्लोज का आप स्टॉप लॉस देखें, बाकी इसमें कोई नया करने का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। विच पीएमएस इज बेटर एंड गुड रिटर्न्स? सर वी कैन नॉट कमेंट ऑन एनी स्पेसिफिक पीएमएस स्कीम्स एज सच, तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बता पाना आपको। वरुण बेवरेजेस, वरुण बेवरेजेस हैज मार्क्ड अ पोटेंशियल टॉप जिसका हाई पॉइंट है 81855। अगर आप लॉन्ग है तो लॉन्ग बने रहिए और स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए ऑफ 820, या तो फिर आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग एंट्री इज नॉट सजेस्टेड एज ऑफ नाउ। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल इज अटेम्प्टिंग टू ब्रेक आउट, ये दोनों ही इसकी जो 50 और 100 डीएमए का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर गया है स्टॉक, तो बोरोसिल में आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म होराइजन से आप एंट्री कर सकते हैं। आइडियली वी कुड डू इट अबाउट टुडेज हाई, मतलब 649 तो 650 के ऊपर जाता है तो आप इसमें लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करना है देन मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज बिलो 615। रैलिस, स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू रिवर्स, इट्स अ गुड स्टॉक, इट कैन गो अप टू 220 और लेवल्स, थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट कर सकता है, बट ओवरऑल इट सीम्स दैट कि इसने अपनी जो बॉटम है वो लगा दी है टेम्पररी, एटलीस्ट पोटेंशियल बॉटम इज इन प्लेस। नेल्को, Nelco, it's under consolidation, so maybe we can wait until it goes above 100 DMA and then we can go for a positional kind of entry. So friends, I believe that we have had an interesting session. Agar aapke answers mein agar answer nahi kar paya hu yahan pe, then I apologize for that because of the paucity of time. तो जो भी आप है क्वेश्चंस या तो मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे ट्विटर हैंडल पे आप मुझे भेज सकते हैं, या यू कैन सेंड अक्रॉस टू द ईटी टीम दैट एंड दे विल फॉरवर्ड एंड दे विल सेंड इट अक्रॉस टू मी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू रीच आउट। आई बिलीव दैट आई हैव एडेड सम वैल्यू टू योर ट्रेडिंग डे टुडे, एंड अंटिल वी मीट अगेन दिस इज मिलन वैष्णव साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स अ लॉट।